रायबरेली महिला सशक्तिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो कुछ और ही नजर आता है। मामला आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस समय देखने को मिला जब अपने मासूम बच्चे के साथ एक महिला हाथ में तख्ती पर इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है, जिसका साफ तौर पर कहना है, मेरे साथ ही मेरे देवर और जेठ के द्वारा बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत मैंने अपने पति से की, लेकिन मेरे पति ने घर की बात घर में दबा कर रखने की बात कही, जिस पर मैंने विरोध करते हुए थाने पर तहरीर दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। लगातार एक साल से थाने व पुलिस अधीक्षक कार्यालय का चक्कर काटने के बाद भी सिर्फ मिला तो कोरा आश्वासन, कार्यवाही के नाम पर सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है पुलिस। दरअसल ये पूरा मामला भदोखर थाना क्षेत्र के भाव गांव का बताया जा रहा है, जहां की रहने वाली महिला ने अपने मासूम बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र देते हुए उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग की। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन अगर महिला की मानी जाए तो महिला सशक्तिकरण की हवा निकलती जिले में जरूर दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद इस पर पुलिस अधीक्षक क्या कार्यवाही करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ लखनऊ अंशु शर्मा। अंजुम कुरैशी, आदिल रशीद, थाना भदोखर, जिला रायबरेली रहने वाले हैं। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ इससे पहले एक बार और मेरे जेठ देवर ने रेप किया था, अब की फिर हम वही महिला घर से वापस आए फिर उन्होंने किया है। जो अपने हस्बैंड से बताते हो कहते घर की बात है छोड़ो जाने दो। इसकी शिकायत थाने पे नहीं किया? मैंने हर जगह किया है, थाने में किया, थाने वाले कहते ठीक हो जाएगा, एक साल से हो जाएगा, जो अभी तक कुछ भी नहीं। एसपी ऑफिस हम एक साल से दौड़ रहे हैं। आज कहाँ आई है? आज भी एसपी ऑफिस आए हैं हम। मुलाकात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई है। इससे पहले हम फिर 7 तारीख को आए थे इससे पहले, तो अभी कुछ नहीं हुआ था। न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो अपनी जान देंगे अपने बच्चे को लेकर।